सिंधीयोग.com द्वारा पहला निशुल्क सिंधी वैवाहिक परिचय सम्मेलन 4 जनवरी रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक साईं बाबा मंदिर परिसर अजयनगर में आयोजित किया जा रहा है। संयोजक मनीष प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि 4 जनवरी को होने वाले परिचय सम्मेलन में 100 प्रतिभागी स्टेज पर परिचय देंगे। परिचय सम्मेलन के लिए साईं बाबा मंदिर परिसर में तैयारियां की जा रही हैं। कल अखिल भारतीय सिंधी अविवाहित युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन कराया जा रहा है, जो कल साईं बाबा मंदिर परिसर में जिस स्थान पर अभी मीटिंग रखी गई है इसी स्थान पर है। इस बाबत अजमेर की प्रमुख सिंधी सेवा समितियों का भरपूर सहयोग रहा है। जो अभी तक कल के कार्यक्रम की फाइनल रूपरेखा हेतु सब यहां एकत्रित हुए हैं। इसमें देश के विभिन्न राज्यों प्रांतों से सिंधी परिवार के वरवधु को देखने तथा मैचिंग अनुसार उनसे बात करने के लिए आ रहे हैं। उनकी सुविधा प्रथम 100 प्रतिभागियों को स्टेज पर बोलने का मौका दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जितने भी परिवार आते हैं जो स्टेज पर बोल न पाए उनके लिए भी कुंडली मिलान की व्यवस्था की गई है। मनीष प्रकाश ने बताया कि सिंधीयोग.com वेबसाइट पर सिंधी समाज के देश विदेश में रह रहे समाज बंधुओं ने अपने विवाह योग्य युवक युवतियों के फोटो और बायोडेटा अपलोड करने में रुचि दिखाई, जिसके चलते कुछ ही दिनों में 1450 से अधिक पंजीयन वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। इसमें 1200 युवक और 250 युवतियों ने पंजीयन कराया है। हमारे यहाँ सिंधियों के लिए सिंधीयोग.com की तरफ से जो आज कल परिचय सम्मेलन है उसमें ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हो रहा है, निःशुल्क हो रहा है बिल्कुल, और ये इस तरीके से हम सब इसमें अपनी सेवाएं देंगे और जो भी मतलब जो कार्यक्रम हो रहा है वो मिसाल बनना चाहिए एक बढ़िया। सिंधीयोग.com में हमारी पंचायत तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। 21 दिसंबर को भी सिंधी पंचायत की तरफ से हम 70 रजिस्ट्रेशन हमने करवाए थे, कल हमारी पूरी टीम सहयोग करेगी। अजमेर शहर में पहली बार जो 4 जनवरी को ये सिंधीयोग.com का परिचय सम्मेलन होने जा रहा है, ये इसमें अजमेर सिंधी सभा समिति की तरफ से हमारी पूरी टीम योगदान देगी। सिंधीयोग.com की तरफ से जो कल कार्यक्रम होने वाला है दिनांक 4 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाला है बहुत शानदार और अभूतपूर्व कार्यक्रम होने वाला है। ये पहली बार नई तरीके से और नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से नई कंप्यूटराइज कार्यक्रम होने वाला है। सिंधीयोग.com के द्वारा ये जो परिचय सम्मेलन हो रहा है उसमें पूरे अजमेर के पूरे जितने भी राजस्थान के अलग अलग प्रांतों अलग अलग जिलों के लोग यहाँ आ रहे हैं। ये अभूतपूर्व जो है सम्मेलन हो रहा है उसमें भारतीय सिंधु सभा अजमेर की तरफ से पूर्ण सहयोग रहेगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सिंधी.com की तरफ से परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, साईं बाबा मंदिर में किया गया है। आज जो इसका मीटिंग हुई इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यही कि यंग जनरेशन बड़ी तादाद में आई है और जहां पर यंग जनरेशन आती है वहां हर काम की सफलता होती है। ये जो सिंधीयोग.com का परिचय सम्मेलन हो रहा है यह बहुत अच्छा प्रयास है, जो सिर्फ अजमेर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए सब देखते हैं इंटरनेट और रिश्ते हो जाएंगे और बिल्कुल निशुल्क है, ये बहुत अच्छी बात है। जो वैवाहिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है उसके लिए काउंसिल ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन की तरफ से शुभकामनाएं हैं कि ये प्रोग्राम सफल और सभी के लिए सुखद हो। आज ये साईं बाबा मंदिर में जो ये सम्मेलन कल जो हो रहा है उसके लिए सबको ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट पे हो रहा है और काफ़ी युवा पीढ़ी इसमें सब आई हुई है, काफ़ी उत्साह है उनमें और कल का कार्यक्रम सफल होगा। सिंधी समाज की ओर से सामूहिक वैवाहिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जिसमें दोलावटा सिंधी समाज की ओर से संपूर्ण सहयोग दिया जाएगा और इसमें हम लोग का लक्ष्य है कि कम से कम 50 से 60 जोड़ों का वैवाहिक परिचय सम्मेलन एवं उनका मैच मेकिंग कराया जाए। सिंधी समाज के थोड़ो अग्या वधाण लाए परफेक्ट मैच देण लाए असा ही प्रोग्राम आयोजित करे रहा आयो एमा चाहिंदस अजमेर वासी पेंजो ही नमे खुले दिल सा सहयोग देन त हिकड़ी एड़ी ऑनलाइन सिंधीयोग.com जी सख्त जरूरत है जेका तमाम घट है खास करे राजस्थान जे एरिया में असा जे साथिन पहल कई आए ए फख्र जी गाल है खुशी जी गाल है जो पौण 2000 कैंडिडेट जुड़ी वे उनखां वधीक खुशी जी गाल्हि आहे जो हिन संस्था में यंग जनरेशन जाम ॾिसण में आई आहे।